आदमी को चाय नहीं पीना चाहिए, तुलसी पत्ता का काढ़ा सेवन करना चाहिए। चले बने तो बवासीर का रोग नहीं हो तो आदि भी दीजिए, नमक दीजिए, हल्दी दीजिए, यगाद मरीच दे दीजिए, काढ़ा का सेवन करें। कोरोना भी होगा तो भी कोने कोने भागेगा। विचार दुनिया में है तो सब चीज, लेकिन यके बात बोलिएगा, धौ सफर तो जे धौ। आप गेहूं बोते हैं, मकई बोते हैं, सब चीज करते हैं, आप अपना दो चार पांच कट्ठा दस कट्ठा रैचा बुनिए, माघी बोइए, अपना रैचा का तेल लगाइए, अपना तेल जो है साग सब्जी में प्रयोग कीजिए। अभी जो तेल खाते हैं ये तेल नहीं है, स्वास्थ्य के लिए जहर है, जहर। विचार कीजिए, भोजन के आधा घंटा पौने घंटा के बाद पानी पीबी, भोजन गर्म है, जठरागिन भी गर्म है, उसी पर देते थे ठंडा पानी, ठंडा पानी दर्द हो याग्नि पर देखी होते धुइयां उठते कि नहीं। अब गरम भोजन पर गटागट पानी दे रहे हैं, बाद में गैस बनेगा, ठोठा जरा लग रहा है, ई नहीं बुझे छे कि गैस की उत्पत्ति कहां से हुई। गरम भोजन पर जल्दी ठंडा पानी मत दीजिए, आधा घंटा पौने घंटा के बाद पानी पी लीजिए। काम से कम आदमी को 5 किलो पानी रोज पीना चाहिए। हमरा जरा में एकटा सुंडा बहिन वही पानी पीते आज तक देख ले नहीं छी। पानी हर आदमी को कम से कम पीना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। एक गांव में पहलवान ये सब के द्वारी पर जाए, हाथ मिलाइएगा, लड़िएगा, लोग के हम पहलवान नहीं छे, हम सब दूध बेचिए ले छे खाए छे नहीं, हत की पहलवानी कर। 12 नया आदमी दूध बेचिए ले छे खाए नहीं। विचार बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की। आदमी को दूध खाना चाहिए, दही खाना चाहिए, दाल खाना चाहिए, साग खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, गाय के घी खाना चाहिए। आज बहुत आदमी को ठौना में दर्द क्यों है, यके कारण है कि आप घी नहीं खाते, साग नहीं खाते हैं, सलाद नहीं खाते हैं, दाल बढ़िया से नहीं खाते हैं, हड्डी में जो ग्रीस था वह ग्रीस खत्म हो गई। हम लोग गाड़ी में कभी कभी ग्रीसिंग करते हैं, ये ठौना जो है ये भी एक प्रकार के चक्का है, यहाँ भी ग्रीस चाहिए, तो ग्रीस बनेगा सलाद खाने से, साग खाने से, गाय के घी खाने से, रहर के दाल खाने से, यल्लू भात खाइएगा तो ग्रीस कैसे बनेगा। बहुत आदमी जमीन मकान दिखाते हैं, भोजन बढ़िया नहीं खाते। काम से कम भोजन बढ़िया कीजिए, बढ़िया भोजन कीजिए, बढ़िया भजन कीजिए, मुंह से बढ़िया वचन। बहुत आदमी ऐसे नहीं बैठ सके, मैं देखे छे अभ्यास में बनाए। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की। आइए गाय का घी खाइए, साग खाइए, सलाद खाइए, 4 बजे भोर में 2 किलोमीटर टहलिए, लहसुन तेल मिलाकर के ठौना को मालिश कीजिए, तुलसी का पत्ता खाइए, नीम का पत्ता खाइए, चिरहोता का पानी पीबिए, चाय को आगे से श्राद्ध कर दीजिए। चाय में 40 रोग पाया गया है,
पहला रोग भूख मंदा, दूसरा रोग पेट में गैस, गैस ठीक नोचनी दिनाय खर्रा यग्जिमा। मंत्र ले लो, यही भजन करो, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, दुनिया में देखोगे कहां क्या हो रहा है। कहा बाबा कह तो रहे हैं ठीक, पानी पिलाइए पहले पानी। मांगा जलते ही दिन कमंडल, कह कपी नहीं अघाओ थोड़े जल। उस तो साधु तो थे नहीं, तो रूप धारण किया था कमंडल में थोड़ा सा पानी, कमंडल बढ़ा दिया, हनुमान जी ने पी लिया। कहा बाबा और पानी चाहिए। कालने में ने कहा बगल में जो है ना एक सरोवर है, स्नान करो, पानी पी लो, वहां से आओ दीक्षा दे देंगे मंत्र। दुनिया में कहां क्या है सब यहीं से दिखाई दे। हनुमान जी ने सोचा बढ़िया गुरु मिल जाए तो दीक्षा लेना चाहिए। सिर्फ बैठ करके चिंतन कीजिए आपको गुरु मिल जाएगा। गुरु खोजने इधर उधर मत जाइए, स्टैंड को गुरु बनाइए, इससे शिक्षा लीजिए। ये लोहा ने बढ़िया आदमी का संगीत संगति किया तो स्टैंड बना, गलत आदमी का संगति करता तो थ्री नट बनता। आपको भी बढ़िया लोगों का संग करना चाहिए। हारमोनिया से दीक्षा लीजिए। लकड़ी बढ़िया आदमी की संगति में गया, हारमोनियम बना, गलत आदमी की संगति में रहते तो पठवा काटने वाला परगट्ठा बनते। धरती से शिक्षा लीजिए। धरती जितना सहनशील है उतना सहनशील हर आदमी को होना चाहिए। चलिए सभी माँ बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारत की नारी है, दान में पीछे नहीं हटेगी। सभी माँ बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो दान का टिकट बनाई है। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। हनुमान जी जो सरोवर गया ना, एक डुबकी जो मारा एक मगड़ी हनुमान जी का पैर खींचने लगी। हनुमान जी ने मगड़ी को एक मुक्का मारा, मगड़ी मर करके लड़की बन गई। हनुमान जी ने कहा ये कैसी लीला है, अरे तू तो मगड़ी थी लड़की बन गई। लड़की बनकर बोली हे हनुमान आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने शराब दिया था, मैं देवलोक की रहने वाली थी, दुर्वासा मुनि को मैंने थोड़ा सताया जो शराब दे दिया, जाओ मगड़ी बन जाओ। जब मैंने प्रार्थना किया उद्धार होने का उपाय, कहा हनुमान जी के मुक्का से तुम्हारा उद्धार हो गया। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान। हनुमान जी ने कहा हम जाएंगे। देखिए हिम्मत, आदमी को हिम्मत कमजोर नहीं करना चाहिए।